नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन केबिन कंपलसरी हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। सरकार ने यह फैसला देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए किया है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि 44 से 47 डिग्री टेम्परेचर में कैसे ड्राइवरों की हालत ख़राब होती होगी। मैंने एसी केबिन का प्रस्ताव दिया तो कुछ लोगों ने यह कहकर विरोध किया कि इससे कास्ट बढ़ेगी, लेकिन अब फाइनली मैंने आदेश की कॉपी पर साइन कर दिया है। गडकरी ने कहा, ड्राइवर्स की वर्किंग कंडीशन में सुधार करने की ज़रूरत है और ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल स्थापित करके ड्राइवरों की कमी को दूर करने के लिए भी कदम उठाएंगे। देश में ट्रक ड्राइवरों को सरकार का एक कदम काफ़ी राहत देने वाला हो सकता है, जो हर मौसम में हर दिन करीब 14 से 16 घंटे ड्राइविंग सीट पर बिताते हैं। गडकरी ने कहा कि ड्राइवरों की कमी की वजह से भारत में मौजूद ड्राइवर्स 14 से 16 घंटे काम करते हैं, जबकि दूसरे देशों में ट्रक ड्राइवरों के काम करने का समय फिक्स है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफ़ी अहम है और भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक की लागत को कम करना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।